हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर उस्मान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं एनिमल्स बर्थडे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है अडर डीमा पे, यानी कि जो बकरी को सोज पड़ जाती है सोने से पहले या सोने के बाद, प्रीपोस्टुरेंट और पोस्ट पोस्टुरेंट, इसका हल क्या है, इसकी वजूहत क्या है और इसका इलाज क्या है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बकरी है, इसको सोए 3 दिन हुए और इसके थर पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। इतनी स्वेलिंग है कि जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और पेन में है। अब क्या ये मस्टाइटिस है या अडर एडीमा है? हम इसको सबसे पहले से पलपेट करेंगे। अगर इसमें हमारे थंब इंप्रेशन या उंगली के निशानात रह जाते हैं तो ये अडर एडीमा है, अगर ऐसा नहीं है तो ये मस्टाइटिस है। तो आज का हमारा मौजू जो है वो अडर एडीमा पर है। सबसे पहले कि इसकी वजूहत क्या है, ये क्यों होता है, ये किस तरह होता है, इसकी या तो फिजियोलॉजिकल रीजंस हो सकती हैं या मेटाबॉलिकल रीज़न हो जाती है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल में सबसे पहले ये है, इस तरह है कि जब फीटस जो है वो ग्रो कर रहा होता है तो इसका जो प्रेशर है वो अडर पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है अडर की जानब वो तो आ जाता है लेकिन जो बैक फ्लो है वो नहीं जाता, जिसकी वजह से जो फ्लूड है वो अडर में रिटेन कर जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है और जो ब्लड प्रोटीन है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन में। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो कोलेस्ट्रॉल का एक अहम पार्ट है, इसलिए जब कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन होती है और इनका ब्लड फ्लो है, जो परमिबिलिटी है ब्लड की, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तारों में वो ब्लड की रेशो जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और जो फ्लूड है वो रिटेन कर जाता है और अडर एडीमा का रीज़न बनता है। इसके अलावा जो जेनेटिक्स है, यानी जो उसके फोर पेरेंट्स हैं, जो उसकी ब्लड लाइन है, अगर उनकी वालदा में या उसके जो ग्रैंड पेरेंट है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें अगर ये इशू आ रहा है, यानी कि अडर एडीमा उनमें आ रहा है, तो ये इसके जो है जो साइड्स होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, उनमें भी ये प्रॉब्लम आएगा। इसके अलावा जो मेटाबॉलिकली जो इश्यूज हैं उनमें अगर ड्राई पीरियड में अगर गोल्ड ग्रासेस वगैरह चलती रही है तो ग्रासेस में जो पोटाशियम लेवल है वो ज़्यादा होता है। जब पोटाशियम लेवल एक हद से ज़्यादा चला जाता है तो सोने के बाद या सोने से पहले पार्चुलेंट, प्री पार्चुलेंट और पोस्ट पार्चुलेंट जो है पोटाशियम की वजह से फ्लूड जो है वो अडर में रिटेन कर जाता है, जो अडर एडीमा का बायस बनता है। इसके अलावा जो सोडियम इनटेक है, अगर वो 30 ग्राम पर डे से इंक्रीज़ करता है या 30 ग्राम रोज़ाना से ज़्यादा वो जानवर ड्राई पीरियड में सोडियम जो है वो आयन दे रहा है या सोडियम क्लोराइड हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है अडर एडीमा की। इसके अलावा अगर एनिमल स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है या कोई जानवर को इंजरी है या उसकी बेडिंग प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से भी अडर एडीमा हो सकता है। तो हम अब आते हैं इसके इलाज की तरफ, इसकी क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। जो भी इस तरह का जानवर हो उसको एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना दें। अगर मस्टाइटिस है तो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। अगर आपने डायग्नोज कर लिया कि ये मस्टाइटिस नहीं है, ये अडर एडीमा है, तो एंटीबायोटिक हमने बिल्कुल नहीं देनी। तो हमने इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए सिंपल डाइजेटिक दें, लैसिक्स वगैरह या कार्टिकोस्टीराइड वो इस्तेमाल करें। जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा है, जिस बकरी को हमने इलाज किया है, इसकी हमने ट्रीटमेंट 3 दिन के लिए की है। इसमें हमने क्या किया था, इसका हमने यूज़ करवाया डाइजेटिक लैसिक्स इंजेक्शन जो है वो 2 ml हमने उसको रोज़ाना दिया। इसके अलावा हमने कार्टिकोस्टीराइड डेक्सामेथासोन 3 ml इसको डेली दिया है। अगर तो ह्यूमन साइड का डेकाड्रॉन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 4 mg/ml होता है, तो वो 1 ml ही काफ़ी होगा। लेकिन अगर वेटरनरी साइड पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम 3 ml डेली देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 3 दिन के इलाज के बाद ये बकरी जो है ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसका डीमा जो है बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, तो ये बिल्कुल रिलीफ हाल हुए हैं। हमारी आज की वीडियो अडर एडीमा पर थी, उसके काजेज और उसके ट्रीटमेंट पर थी कि इसका इलाज किया कैसे जा सकता है और इसको हम मस्टाइटिस से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। लोग जो है सबसे पहले जैसे इस जानवर की पार्चुएशन के बाद या सोने के बाद जो इन्फ्लेमेशन होती है इसको कंफ्यूज करते हैं मस्टाइटिस के साथ। सबसे पहले तो हमें डायग्नोज करना है कि अडर एडीमा है या मस्टाइटिस है। अगर ये मस्टाइटिस नहीं है, अडर एडीमा है, तो फिर आपने ये ट्रीटमेंट करनी है। अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हमारे चैनल एनिमल्स बर्ड प्लैनेट को और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।